हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। और भाई, मैं आपको यहाँ का आज नज़ारा दिखाऊंगा। ये है देहरादून का किनवाड़ी। और यहाँ पर भाई मेरी वॉइस अच्छी तरीके से नहीं आ रही थी, मैं स्कूटी में बैठा था, तो इसलिए भाई मैं वॉइस से आपको बताऊंगा कि यहाँ के बारे में। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा है, दूर दूर तक आपको पहाड़, सुंदर पहाड़ दिखाई देंगे। ये उत्तराखंड में है भाई, देहरादून में। और ये देख सकते हो आप किनवाड़ी, आप पूछ सकते हो देहरादून में कहाँ पर पड़ता है, तो आप कोई बता देगा आपको। ये देख सकते हो आप, ये मसूरी वाले रास्ते में पड़ता है, आप देख सकते हो। ये देखिए, काफ़ी अच्छा नज़ारा है इधर का। और जब हम यहाँ पर से सफ़र कर रहे थे, तो बीच में भाई मैंने शूट अपने मोबाइल से शूट किया था यहाँ पर, तो बस आवाज़ ढंग से नहीं आ रही थी, इसलिए भाई मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, प्लेन रोड और चारों तरफ आपके पेड़ ही पेड़ हैं। और कितना बढ़िया मौसम, आप देख सकते हो दूर दूर तक भाई हरा भरा ही है यहाँ पर। और सुबह के टाइम भाई यहाँ पर गए थे, यहाँ देखिए सर, काफ़ी बंदे यहाँ पर टूर पे आते रहते हैं, घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। आप भी कभी किनवाड़ी घूमने के लिए आए, ये देहरादून में है। ये देखिए, दूर दूर तक आपको पूरा ही हरा भरा दिखाई देगा। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट लोग भी घूमने के लिए आते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर मैं अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए आया था, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप पेड़ भी देख सकते हो, पेड़ यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लोग घास काटने के लिए भी आते हैं, जो गांव के लोग रहते हैं। ये देखिए आप, दूर दूर तक आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए आप, लाल वाला दबा दिया। तो भाई मैं यहाँ का आपको नज़ारा दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप नज़ारा देखो भाई, इधर का नज़ारा देखो आप, कितना बढ़िया नज़ारा है, आप चारों तरफ देखोगे। और उत्तराखंड अगर आप आओ तो देहरादून में, अगर आप यहाँ का नज़ारा देखते हो तो काफ़ी बढ़िया है। इस तरह का नज़ारा देखो भाई, और मौसम भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ का। तो आगे का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा है। यहाँ पर भाई मैंने शूट किया था यहाँ पर, जब मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर टूरिस्ट लोग ठहरे हुए थे, तो हम भी यहाँ पर ठहर गए थे थोड़ा देखने के लिए। लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो मैं अपना यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहा था। तो सामने भाई आप देख सकते हो यहाँ का कुछ इस तरह का नज़ारा है, आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, आप देख सकते हो जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर लोग सेल्फियाँ भी खिंचाते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते हैं, फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग होती है। और इस जगह का नाम आपको बता दूँ मैं, घड़ीकैंट से भाई ये कम से कम आपको पड़ जाएगा 5-6 किलोमीटर पड़ जाएगा। और घड़ीकैंट यहाँ से 8 किलोमीटर है, जब हम यहाँ तक आए थे तो यहाँ से नीचे घड़ीकैंट 8 किलोमीटर था। नज़ारा यहाँ पर है, यह देख सकते हो आप। तो यहाँ पर काफ़ी बंदे आते हैं भाई घूमने के लिए, तो आज का ब्लॉग भाई मैं यहाँ के लिए इसीलिए बना रहा था आपको। तो इस तरह का नज़ारा है भाई यहाँ का, देख सकते हो आप। और यहाँ पर रोडें भी काफ़ी प्लेन होती है, यहाँ पर लोग कैंपिंग करने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और शाम के टाइम यहाँ पर जब हम पहुँचे थे, तो काफ़ी भीड़ हुई थी। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देहरादून का ग्राउंड है, जहाँ पर लोग खेलने के लिए आते हैं। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा था, तो काफ़ी लोग यहाँ पर खेल रहे थे, खेलने के लिए काफ़ी लोग आ रखे थे। और उसके बाद भाई हम पेट्रोल भराने चले गए थे, पेट्रोल भराने के बाद भाई हम उसके बाद एक कैफ़े में रुके, जहाँ पर हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया।
और आप देख सकते हो मैं शूट नहीं कर पाया पर लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा शूट कर पाया। आप देख सकते हो यहाँ पर कैफ़े में खड़े हैं, यहाँ पर ऑर्डर किया था हमने, उसके बाद भाई हमें घर आ गया। और तो इस ब्लॉग को भाई मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते फिर इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, धन्यवाद। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना